ऐलान कर दिया है। सभी वै समाज के संगठन, सभी वै समाज राबड़ी देवी के द्वारा जिस प्रकार का समाज को प्रताड़ित करने वाला, अपमानित करने वाला बयान दिया गया है, उसके खिलाफ आज इनकम टैक्स पर पुतला दहन है। कल सभी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन होगा राबड़ी देवी का, और आवश्यकता पड़ेगी तो निरंतर आंदोलन चलेगा। सरकार से टिप्पणी करके जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो क्या जवाब देगी? आज भ्रष्टाचार में लिप्त चारा घोटाला, सब घोटाला, सब घोटाला को प्रमाणिकता के आधार पर लोग करने का काम किए हैं। आज समाज से माननीय गृह मंत्री जी के वास्तव में वो माफी मांगने का काम करे। इस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है, राबड़ी देवी का जो विरोध है वो किया जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से देख सकते हैं, जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वैश्य समाज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार राबड़ी देवी का विरोध कर रहे हैं। लालू राबड़ी हाय हाय, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के तरफ से राबड़ी देवी का पुतला दहन करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता उतर गए हैं। तो वहीं मेरी मौजूदगी अभी इनकम टैक्स के निकट है। देखिए पवन जायसवाल है, भाजपा से विधायक जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, सड़कों पर उतर गए हैं, हम लोगों ने ऐलान कर दिया है। सभी वै समाज के संगठन, सभी वै समाज राबड़ी देवी के द्वारा जिस प्रकार का समाज को प्रताड़ित करने वाला, अपमानित करने वाला बयान दिया गया है, उसके खिलाफ आज इनकम टैक्स पर पुतला दहन है। कल सभी राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन होगा राबड़ी देवी का, और आवश्यकता पड़ेगी तो निरंतर आंदोलन चलेगा, निरंतर आंदोलन चलेगा। ऐसे में संजीव चौरसिया जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजीव जी, आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं, नहीं लगातार इसका घोर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने करने का काम किया, वह समाज को अपमानित करने का काम किया। यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार टिप्पणी करके ये समाज को जो कहने का काम करते हैं, हम लोग घोर विरोध करने के लिए उतरे हैं। लगातार बयान आ रहा है ऐसा, वही कह रहे हैं ना कि इस प्रकार से टिप्पणी करके जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है वो क्या जवाब देगी? आज भ्रष्टाचार में लिप्त चारा घोटाला, सब घोटाला, सब घोटाला को प्रमाणिकता के आधार पर लोग करने का काम किए हैं। आज समाज से माननीय गृह मंत्री जी के वास्तव में वो माफी मांगने का काम करे, और घोर आपत्तिजनक है। सब प्रकार से हम लोग विरोध पे सड़कों पे उतरे हैं, पुतला दहन भी कर रहे हैं, पुतला दहन भी करने का काम कर रहे हैं कि पूरी तरह से पूरा समाज आज आक्रोशित है, पूरा समाज जो है वैसे समाज आक्रोशित है। ऐसे में इनकम टैक्स गोलंबर पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता उतर गए हैं और लगातार राबड़ी देवी शर्म करो के नारे लगा रहे हैं। बता दें आपको कि राबड़ी देवी ने वैसे समाज को लेकर कहीं ना कहीं बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो वैसे समाज के लोग हैं वो तेल में पानी मिलाते हैं। ऐसे में तमाम वैश्य समाज जो है वो उग्र हो गया। ऐसे में बीजेपी के नेता जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतर गए हैं और लगातार राबड़ी देवी मुर्दाबाद और शर्म करो के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल राबड़ी देवी का जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। तस्वीर देखिए किस तरीके से, ये तस्वीर जो है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहाँ पर राबड़ी देवी का पुतला दहन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो व्यतीत किया जा रहा है। बता दें आपको कि राबड़ी देवी ने बीते दिनों बयान दिया था वैश्य समाज को लेकर, जहां पर उन्होंने वैश्य समाज को यह साफ कहा था कि जो वैश्य समाज के लोग हैं वो तेल में पानी मिलाते हैं। ऐसे में बीजेपी के तरफ से कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, जो वैश्य समाज के लोग हैं वो भी काफ़ी दुखी हैं, नाखुश है। ऐसे में पुतला देखिए किस तरीके से दहन किया जा रहा है, आक्रोश जो है वो दिखाया जा रहा है। ऐसे में तस्वीर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पुतला जलाया जा रहा है इनकम टैक्स चौराहे पर और नारेबाजी की जा रही है। किस तरीके वह समाज के द्वारा ये पुतला जलाया जा रहा है इनकम टैक्स चौराहे पर, अरे और फैलिए ना भाई, थोड़ा बंद हटाइए, बंद हटाइए। हाय 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 हाय, बेटो बेटो दे रहे यार, बेटो दे ना, बहुत लग जाएगा, बहुत ज्यादा लग जाएगा, गर्मी है, बेटो हल्का हल्का, बेटो हल्का, अरे कौन हल्का डाला बेटो, चलता रहे चलता रहे, जब तक क्या कर रहे हैं। किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है, राबड़ी देवी का जो विरोध है वो किया जा रहा है। ऐसे में
किस तरीके से देख सकते हैं जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वैश्य समाज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार राबड़ी देवी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी हाय हाय के नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जो आक्रोश है वो दिखाया जा रहा है। ऐसे में लगातार राबड़ी देवी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से नारे लग रहे हैं। ऐसे में जो दिग्घा विधायक संजीव चौरसिया, उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना है। ढाका विधायक पवन जसवाल क्या कुछ कहते वो भी आपने सुना है। वैश्य समाज को लेकर जिस तरीके से बयान दिया है राबड़ी देवी ने, उसके बाद आक्रोश जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। ऐसे में पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर लगातार जो है आक्रोश बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।